हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कि मैं हम एज ए क्यूबनेटिस क्लस्टर, दिस इज़ मेरे क्यूबनेटिस क्लस्टर पे क्यूबर्ट इंस्टॉल करने के बाद वीएम एज ए पॉड कैसे हमें रन करना है, ये हमें यहाँ देखना है आज। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है क्यूबसीटीएल गेट नोट्स। अगर हम देखते हैं तो कितने नोट्स है क्लस्टर में, हमारे एक वर्कर है और वर्क लोड के लिए मैंने 3 वर्कर नोट्स डाले हुए हैं। और अगर मैं सारे पॉड्स अगर चेक करता हूँ तो कितने पॉड्स हैं मेरे। तो अगर आप ये देखो इस क्यूबनेटिस क्लस्टर पे मैंने, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जब भी क्यूबनेटिस इंस्टॉल करता है तो क्यूब सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस क्रिएट होता है और इसके अंदर पॉड्स रन कर रहे होते हैं। ETC DI कोऑर्डिनेट्स, एकोऑर्डिनेट्स वगैरह ये सर्विसेज बाद में आती हैं। मेन तो है कंट्रोलर, API, ETCD और शेड्यूलर। दीज आर द 4 सर्विसेज विच क्रिएटेड व्हेन यू डिप्लॉय क्रिएटेड क्यूबनेटिस क्लस्टर। अब CDI या क्यूबर्ट, दीज आर द 2 ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आर द थर्ड, एक्सटर्नली आप ऐड करते हो न्यू फीचर्स को एनेबल करने के लिए इन क्यूबनिटीज, तो उन्हें हम ऑपरेटर करते हैं क्योंकि वो लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं उस इंटीग्रेशन का, उस एप्लीकेशन का, उस न्यू थिंग का टू द क्लस्टर, जो एनहांस करते हैं हमारी फंक्शनैलिटी को। ठीक है, तो क्यूबर्ट हो गया और CDI हो गया। अब मुझे जो है, मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें कर रखी है, मेरा NFS सर्वर, मेरा सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, मेरा जो है ये अपाचे सर्वर चल रहा है और मैंने वेयर HTML, यहाँ पे मेरी फाइल्स रखी हुई हैं जहाँ से मैं ये फाइल्स को पुल करूँगा। मैंने NFS सर्वर्स भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस पे, जिससे हम डेटा वॉल्यूम माउंट कर सके PVC के लिए। और ये मेरा शेयर पाथ है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक, तो यहाँ पे मैं शेयर डॉट रजिस्ट्री मैंने माउंट कर रखा है जो कि तीनों वर्कर नोड पे माउंटेड है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने एक डायनेमिक प्रोविजनिंग इसमें अनेबल कर रखी है, ठीक है, जिसका NS क्लाइंट प्रोवाइड है, प्रोविजनर जो है उसका पूरा नाम ये है। और मेरा जो डिफ़ॉल्ट मैंने डिफ़ॉल्ट जो मेरी स्टोरेज क्लास है वो मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो कोई भी मेरा वॉल्यूम PVC की रिक्वेस्ट आएगी ऑटोमेटिकली उसको यहाँ से मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी वह CTL की जो वाइनरी है, ये मैंने एक्सटर्नली इंस्टॉल करी हुई है वर्ड CTL, ठीक है, मुझे इमेज को अपलोड करना है, तो इमेज अपलोड हाइफन हाइफन हेल्प करूँगा तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप लोकल डिस्क इमेज बनाओ, डिस्क बोले बूट वॉल्यूम मुझे बनाना है क्योंकि फेडोरा की मेरे पास इमेज पड़ी हुई है और उससे मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो ठीक है, तो ये मेरे स्टेप्स मैंने पहले ही लिखे हुए हैं जिससे कोई इशू ना आए। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से यहाँ इतना कॉपी किया, कुछ नहीं है जो कि मैं सिमिलर है, जो ये चीज़ है वही है। फिर मैंने एक मैंने DB फेडोरा डॉट DB इसका साइज मैंने कर दिया है 30 GB, ठीक है, और इमेज पाथ जो है मेरा कितना होगा उसके लिए मैं देख लेता हूँ, वेयर डॉट HTML, ठीक है, LS, रेल रेल नाम से है, ठीक है, ये इसका पाथ मुझे मिल गया, मुझे इसका पाथ हमेशा यहाँ से ये दे देना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको अब CDI के थ्रू हम बना रहे हैं तो हमें ये अपलोड करना है। ठीक है, ये अपलोड प्रॉक्सी की जो मुझे उसकी फाइल है वो कहाँ से मिलेंगी, तो मैंने कहा ना CTL कैट सर्विस, ठीक है, -9 NCDI ये करूँगा। तो मुझे ये जो IP है ये उठानी है और यहाँ पेस्ट करनी है और फिर यहाँ पे 443 लिखना है।
मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं इसको इनसिक्योर मोड पे करूँगा। एक बार चेक कर लेते हैं। वर्ड सी टी एल इमेज मुझे अपलोड करनी है, डीवी, डीवी मतलब डेटा वॉल्यूम, डीवी फेडोरा डॉट डीपी, उसका साइज 30 हो गया। पाथ मेरा यहाँ पे इमेज रखी हुई है, अपलोड करना है मुझे 10.145.443 पे इनसिक्योर वी में। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब वेटिंग फॉर द पीवीसी अपलोड। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं। अपलोडिंग डेटा, ठीक है, 45, 163, 45। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया है अपलोड होना। डीवी एक तरह का बूट वॉल्यूम है, क्योंकि हम उस बूट वॉल्यूम को अटैच करेंगे पॉड के साथ, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेगा। और डीवी जो डेटा वॉल्यूम बन रहा है, जो भी एक डेटा वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसका एक पीवी भी बनता है। पीवीसी हमें क्रिएट होके मिलेगा, क्योंकि पीवीसी ही माउंट होगा आपके पॉड के साथ। डीवी की फंक्शनैलिटी है कि उस पीवीसी को एज ए डेटा वॉल्यूम, बूट वॉल्यूम को कन्वर्ट करे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेटा वॉल्यूम, डिस्क इमेज नहीं बनी, बनी है। ठीक है, अब ये सक्सीडेड हो गया है, हमें यही चेक करना होता है। तो अगर आप देखो सीडी में, मैंने हर वर्चुअल मशीन को एक रिसोर्सेस दे रखे हैं, 16 GB और 8 CPU, ये भी थोड़ी सी रैम कम हो, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इस पे रैम। क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हैवी है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी रिसोर्सेस के लिए। वर्चुअलाइजेशन अनेबल होना चाहिए यहाँ पे प्रोसेसर में जाकर, ये देखिए ये टिक होना चाहिए वर्चुअलाइजेशन इंजन, अगर नहीं है तो आप इसको टिक करिए। उसको थोड़ा सा और बता दिया मैंने। एक बार और चेक कर लीजिए कि कहीं स्पेस का तो इश्यू नहीं आ रहा है। DF-KH, ठीक है, 58 GB अवेलेबल है। kubectl get ports PVC, अगर मैं चेक करूँ तो मेरा ये PVC जो है बन चुका है, मैंने 30 GB का जो लिया था वो
ओपीवीसी मेरा बॉन्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये टाइम आउट आया है, टाइम आउट आना नहीं चाहिए, लेकिन अपलोड डेटा जो है मेरा सक्सेसफुली हो रखा है, ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीटेड आता है, ठीक है। अब ये इस तरह से सक्सेसेड आ जाता है, अपलोडिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नहीं, अगर आपको कुछ और चीज़ें लग रही है डीवी, तो आप इसको फिर से डिलीट कर लो एक बार डीवी, फेडोरा डॉट डीवी। एक बार सर्विसेज रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। HTTP PD PD बॉन्ड और क्या है, ठीक है। मैंने SSH किया वर्कर वन पे, ये सब चीज़ें माउंट हो रखी हैं, अगर आप चेक करो, ठीक है। अगर मैंने माउंट, ये कमांड आप चला सकते हो माउंट के लिए। मैं वर्कर पे गया, वर्कर टू पे, ठीक है। ठीक है, अगर मैं पीवीसी भी देखता हूँ, पीवीसी मेरा बचा है, पीवीसी नहीं है, डेटा वॉल्यूम है, डेटा वॉल्यूम में नहीं है, ठीक है। वर्स यूटीएल इमेज अपलोड डीवी, साइज मेरा 30 हो गया, इमेज मेरी यहाँ रखी हुई है, ठीक है, अपलोड हो गया है, ठीक। और इनसिक्योर मुझे करना है, यही हमारा, फिर से मैंने एक बार और चलाया, देखिए अब सक्सेसफुली हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर देखूँ मेरा डेटा वॉल्यूम जो है टीवी, ये मेरा डेटा वॉल्यूम बन चुका है सही से, ठीक है। इसी के करस्पॉन्डिंग मेरा एक पीवीसी भी क्रिएट हो गया होगा, मेरा ये पीवीसी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे मेरे पास एक ये एएमएल फाइल है, इस एएमएल फाइल को मैं कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ पे vm डॉट एमएल लिखी, ठीक है। मेरा जो है डेटा वॉल्यूम फेडोरा डॉट डीबी है, अगर आप देखो ध्यान से, मेरी एक वर्चुअल मशीन है, उसका नाम ये है, ठीक है। उसमें मैंने लेबल ये दे रखा है, आर्किटेक्ट 64 है, एक कोर दे रखा है, एक सॉकेट दे रखा है,
अब डिवाइसेस जो डिस्क होंगे, बूट ऑर्डर मेरा पहला ये हो गया, दूसरा बूट ऑर्डर मेरा वन हुआ, दूसरा मैंने क्लाउड इनिट डिस्क लगाया, तीसरा वर्चुअलाइजेशन की जो डिस्क है वो उसके लिए ये तीन लगाते हैं। उसके पास ये इम्पोर्टेंट है इंटरफेस देना कि इंटरफेस पे जो हमारी सिक्योरिटी है वो किस तरह की है, नेटिंग फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ से ट्रैफिक आएगा। ये आपकी होगी मशीन आईडी, मैंने 2 GB रिक्वेस्ट दे रखी है। उसके बाद जब मेरी क्लाउड इनिट क्या है कि जैसे ही मेरी वर्चुअल मशीन बने उसके बाद क्लाउड इनिट की जो फंक्शनैलिटी है वो रन हो गए कन्फिगर, वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड, यूजर ने पासवर्ड कन्फिगर कर दिया और एक यूज़र भी बना दिया। मैंने की क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे मेरी एक वर्चुअल मशीन बन चुकी है टीवी एक्सेस की, उसकी आईपी भी आ चुकी है और रनिंग रनिंग फॉर्म में मेरी है। ठीक है, ये मेरी एक वर्चुअल मशीन यहाँ से क्रिएट हो गई है, वीएम आ गई, आईपी मुझे मिल गया। अगर मुझे इस वीएम में एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, वर्स वर्ड सी टी एल कंसोल लूँगा इसका और डी वी एक्सेस। एज यू नो मैंने यहाँ पे अभी जो मेरी एमएल थी ये वाली, इसमें देखो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड यही डाला हुआ है, डेवलपर डेवलपर, मैं तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे डेवलपर और डेवलपर एंटर करूँगा। अब मैं अपने पॉड की वीएम में आ गया हूँ। अगर मैं कैट करता हूँ कौन से रिलीज है तो ये है, अब मारिया डी बी इसमें ऑलरेडी सिस्टम डी में मारिया डी बी मेरा रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पॉड को, एक वर्चुअल मशीन को एज ए पॉड कैसे रन कर सकते हैं, ये आप देख रहे हो इस पे स्पिन हो गया है वर्कर नोड पे। तो ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, नेक्स्ट वी विल देखेंगे कि हमें वर्चुअल मशीन एज ए पॉड विंडो में कैसे है मुझे करना है, वो मैं थोड़ा सा टफ है, लेकिन वी विल सी। थैंक यू सो मच फॉर दिस।